वेलकम एवरीवन टू द चैनल पीएड करिकुलम। ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का लास्ट प्रैक्टिकल है। इसमें जो आपका एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग। इसमें हम देखते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले। तो इसमें आप पहले बताएंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से लर्निंग पे बेस्ड है। तो इसमें मीनिंग ऑफ लर्निंग बताएंगे। लर्निंग इज डिफाइंड परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। तो लर्निंग वह है जो परमानेंट चेंज है थ्रू प्रैक्टिस और थ्रू एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु बर्न्स हिज हैंड यूजिंग अ मैच स्टिक लर्न्स टू हैंडल द मैच बॉक्स मोर केयरफुली इन फ्यूचर। एक बार यदि कोई बच्चा अपना हाथ माचिस से जला लेता है या उसको लग जाता है, तो दोबारा वो यह जान जाता है किसको हम छुएंगे तो हमें लग जाएगा, कहीं ना कहीं जल जाएंगे हम। तो ये वो उसको याद हो जाता है, कहीं ना कहीं ये लर्निंग का पार्ट है। इसमें फिर आप देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्किनर। स्किनर की एक डेफिनेशन है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। मतलब जो लर्निंग है वो प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन है। देन है मॉर्फे के अनुसार, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। जो जो भी चेंजेस होते हैं हमारे बिहेवियर में टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग का क्या मतलब है? तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज रिफर्स टू लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट टू द अनदर। दैट इज़ द कैपेसिटी टू अप्लाई अक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू न्यू सिचुएशन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जो हमने एक सिचुएशन में सीखा था वो हमें दूसरी सिचुएशन में लर्निंग करने में हेल्प कर रहा है। द वर्ड ट्रांसफ़र इज यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पास्ट लर्निंग अपॉन द प्रेजेंट एक्विजिशन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमने पहले साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाना जो है हमें हेल्प करेगा कार चलाने में, या जो है स्कूटी चलाने में। साइकिल चलाने से ही हमें बैलेंसिंग होती है, तो ये हमारे लिए एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग में हेल्पफुल है। फिर है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो हम देखते हैं इसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अनुसार एक डेफिनेशन है, द कैरी ओवर ऑफ हैबिट ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड वर्किंग ऑफ द नॉलेज ऑफ स्किल फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर यूजुअली इज referred as the transfer of learning. According to Perkins के अनुसार एक definition है, transfer of learning is the application of skill, knowledge and attitude that were learned in one situation to another learning situation. तो transfer of learning वही है जो हम skills, knowledge और attitude जो है हमारा वो एक situation का help करता है दूसरी situation में learning के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसके कितने टाइप्स हैं? तो पहला है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जब एक चीज़ में सीखी हुई चीज़ हमें हेल्प करती है दूसरी चीज़ को सीखने में, तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। इसका एग्जांपल है, द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अलजेब्रा फैसिलिटेटेड लर्निंग स्टैटिक्स। जो हमने अलजेब्रा में पहले सीखा होता है वो हमें स्टैटिक सीखने में हेल्प करता है, ये एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। देन है निगेटिव ट्रांसफ़र। निगेटिव ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग और द एक्सपीरियंस इनहैबिट और इन्फ्लुएंसेस विद द लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसमें जो एक सिचुएशन में हम सीखते हैं उसका हमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने एक सिचुएशन में ऐसी चीज़ें सीख ली जो हमारे दिमाग में कवर तो हो रही हैं,
जैसे हमने इंग्लिश सीखी तो इंग्लिश में हम मैथ्स लगाना चाहते हैं तो उसमें हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो इंग्लिश के जो रूल्स होंगे वो हमें मैथ्स के रूल्स सीखने में कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट होंगे। फिर देन है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र वह होता है जब हमें एक चीज़ सीखते हैं देन दूसरी चीज़ सीखते हैं तो उसमें न्यूट्रल ट्रांसफ़र होता है, मतलब हमें एक चीज़ का सीखना दूसरी चीज़ को प्रभावित नहीं करता है तो यह हमारा न्यूट्रल ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ नो वे अफेक्ट लर्निंग ऑफ ड्राइविंग अ कार और स्कूटर। अगर हम कार और स्कूटर चलाना सीख रहे हैं तो हमारी जो हिस्ट्री की नॉलेज है ये हमें किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी। देन है फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र। कितने फॉर्म्स होते हैं ट्रांसफ़र के, तो है लेटरल ट्रांसफ़र। इट हैपन्स व्हेन लर्निंग इज वन कॉन्टेक्स्ट इज एम्प्लॉयड एट द सेम कॉन्सेप्ट इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब एक कॉन्टेक्स्ट की लर्निंग दूसरी कॉन्टेक्स्ट की लर्निंग के लिए हेल्प करती है तो इसे हम लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसका एग्जांपल है बीइंग एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस इन मैथमेटिक्स टू फाइंड द मीन्स ऑफ सेट ऑफ डेटा इन द सोशल स्टडीज़। मतलब जो मैथ्स का एवरेज है वो हमें हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं सोशल स्टडीज़ में, तो ये हमारा लेटरल ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। लिटरल एंड सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। इन्हें ही हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं बिकॉज द लर्नर स्टेज विद इन सेम सिमिलर कैटेगरी इन मेकिंग द ट्रांसफ़र। इसमें सेम कैटेगरी में ही बच्चा रहता है इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं। देन वर्टिकल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र इट इज़ सेड टू टेक प्लेस व्हेन लर्निंग एट वन लेवल फैसिलिटेट लर्निंग एट हायर लेवल। इसमें जो एक लेवल की लर्निंग होती है वो हमें कहीं ना कहीं हायर लेवल तक ले जाती है। एविडेंस ऑफ वर्टिकल ट्रांसफ़र कैन बी सीन जब एक म्यूज़िक का स्टूडेंट किसी गाने को कंपोज करता है, उसे अरेंज कर पाता है, तो इसे हम वर्टिकल ट्रांसफ़र कहते हैं। फिर है बायलेटरल ट्रांसफ़र। बायलेटरल ट्रांसफ़र में द ह्यूमन बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू टू लेटरल्स। मतलब इसमें जो है ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तब लर्निंग होती है, लेफ्ट और राइट। व्हेन द ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू वन लेटरल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र टू द अनदर लेटरल। इसमें जो है एक हाथ से या एक जो पार्ट से हम लर्निंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट करती है या ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे पार्ट में। दिस इज़ नोन एज बायलेटरल ट्रांसफ़र। इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी ट्रेन आवर राइट हैंड इन राइटिंग। मतलब कि ये हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है कि हम राइटिंग यूजुअली राइट हैंड से करते हैं। द ट्रेनिंग ऑफ राइट हैंड ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र टू द लेफ्ट हैंड। तो जो इस दाएं हाथ की जो ट्रेनिंग होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है लेफ्ट हैंड को। वी कैन ऑल्सो राइट विद आवर लेफ्ट हैंड, तो हम अपने लेफ्ट हैंड के थ्रू भी लिख सकते हैं। द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ द मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक एग्जांपल है बायलेटरल ट्रांसफ़र का। अब है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की कुछ थ्योरीज़ हैं, तो इसमें थ्योरीज इंक्लूड करती हैं मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, एपरसेप्शन थ्योरी, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, जर्नलाइजेशन थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी। ये कुछ थ्योरीज हैं। तो इसमें पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन और फैकल्टी थ्योरी। द थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन टेल्स दैट एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग इन द माइंड एंड डिसिप्लिन ऑफ द डिसिप्लाइनिंग द माइंड डिसिप्लिनिंग द माइंड। मतलब जो थ्योरी है, जो लर्निंग है, वो कहीं ना कहीं मेंटल डिसिप्लिन है, हमारे दिमाग को ट्रेनिंग देती है, माइंड को ट्रेनिंग देती है, ये उसे एक डिसिप्लिन में अरेंज करती है। इन द फील्ड ऑफ ग्रामर एंड साइंस द
ये जो लॉजिक है वो ग्रामर और साइंस के फील्ड में अप्लाई होता है. द थ्योरी अज्यूम्स दैट दोज ट्रेनिंग कैन मेक एन इंडिविजुअल इफेक्टिव इन ऑल एरियाज वेयर आर गिवन फैकल्टी इज एम्प्लॉयड. सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स. इसे E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट को. अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार द मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर अकर्स व्हेन वन सिचुएशन टू अनदर इन विच देयर आर मोस्ट सिमिलर एंड आइडेंटिकल एलिमेंट. इन्होंने बताया है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग तब जो है अकर होता है, तब होता है जब कोई भी दो सिचुएशन सिमिलर हो या कहीं ना कहीं आइडेंटिकल एलिमेंट हो उनमें. द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट स्टेट्स दैट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज फैसिलिटेटेड इन द सेकेंड सिचुएशन इनटू द एक्सटेंट दैट इज कंटेन्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स एंड फैक्टर विच अकर्स इन द लर्निंग एंड सिचुएशन अर्लियर. इन अदर वर्ड्स मोर द सिमिलैरिटी मोर द ट्रांसफर. इन्होंने बताया है कि जब बहुत ज़्यादा समानता होगी तो लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी. द डिग्री ऑफ ट्रांसफर इंक्रीजेज एज द सिमिलैरिटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज. यानी कि डिग्री ऑफ ट्रांसफर मतलब कि उतनी ही जल्दी से हमारा स्थानांतरण होता है लर्निंग का जितना उसमें सिमिलैरिटी होती है एलिमेंट्स में. फॉर एग्जांपल द लर्निंग ऑफ राइडिंग मोप्स इज इजिली ऑफ्टन राइड अ बाईसाइकिल. जो हम मोप को राइड करते हैं वो हमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं बाईसाइकिल चलाने में, साइकिल चलाने में, क्योंकि ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स का ट्रांसफर है. थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस. दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स जड. थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन अज्यूम दैट व्हाट इज लर्न्ड इन टास्क ए ट्रांसफर टू टास्क बी बिकॉज इट स्टडीज ए. द लर्नर डेवलप्स अ जर्नल प्रिंसिपल विच अप्लाइज इन द पार्ट और कम्प्लीटली इन बोथ ए एंड बी. इसमें मतलब कोई भी टास्क ए और बी हैं तो उन दोनों के लिए ही एक जर्नल प्रिंसिपल चलेगा जो दोनों पे ही अप्लाई होगा तो उसे याद हो जाता है. जर्नलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कॉमन टू अ नंबर ऑफ सिचुएशन. क्या कॉमन है नंबर ऑफ सिचुएशंस में, ये जर्नलाइजेशन की थ्योरी में आ जाएगा आपका. द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर. तो गेस्टाल्ट की थ्योरी है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में. दिस थ्योरी व्यूज दैट व्हेनेवर द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस, जब भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जर्नलाइजेशन और इनसाइट. मतलब कि ये जर्नलाइजेशन के थ्रू होता है या तो इनसाइट के थ्रू होता है, सोच के थ्रू होता है. गेस्टाल्ट फॉलोअर अलाउ द बिलीव दैट द ट्रांसफर अकर्स व्हेन द इंडिविजुअल इज एबल टू रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटीज अमंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एज वेल एज हिज इनसाइट इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू सिचुएशन. इसमें जो है वो ओल्ड और न्यू सिचुएशन के बीच में अपनी इनसाइट के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेता है. तो इसमें खुद ही वो सारी सॉल्यूशंस को देख लेता है, उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेता है सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. ये थी गेस्टाल्ट वॉट की थ्योरी. इसमें कोहलर कोवका और वर्दियमर का नाम फेमस है. इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे. तो इन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और ऊपर जो है केले लटका दिए थे. तो जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था उन केलों को खाने के लिए. तो उसने एक डिब्बा देखा अपने पास में, तो उसको उसने रख दिया था पहले. फिर वो नहीं पहुँच पाया तो उसने अपने पास में एक छड़ी देखी, उसे ऑब्जर्व किया. तो उस डिब्बे के ऊपर चढ़कर उसने वो छड़ी से वो केला पकड़ा और उसे खाया. तो ये पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था. और ये गेस्टाल्ट वार्ड के साइकोलॉजिस्ट थे कोहलर कोवका एंड वर्दिमर. अब है मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स के बारे में हम बताएंगे. मिरर ड्राइंग जिससे किया जाता है ये एक्सपेरिमेंट, उसका क्या ऑपरेटर्स होता है.
द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स ऑफ्टन कॉल्ड एज मिरर ड्रेसिंग बोर्ड, इसे मिरर ड्रेसिंग बोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। देयर इज अ बेस बोर्ड एट द बैक साइड, इसके बैक साइड में एक मिरर बोर्ड होता है जो मिरर को होल्ड करता है। एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द फ्रंट एज, फ्रंट एज से लेफ्ट हैंड पे एक एडजस्टेबल स्क्रीन होती है ऑपरेटर्स की। दोज आर माउंटेन द एलिवेटेड एल्यूमिनियम प्लेटफॉर्म, ये एल्यूमिनियम प्लेटफॉर्म का होता है। इन द मिडल ऑफ द बेस बोर्ड विद द हेल्प ऑफ यू पिंस, यू पिंस लगी होती हैं मिरर बोर्ड के मिडल में। वन प्रिंटेड स्टार पैटर्न रिक्वायर्ड फॉर द ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल के लिए आपको एक स्टार पैटर्न की ज़रूरत होती है। इसमें द सब्जेक्ट ट्रेस द स्टार पैटर्न विद आ पेंसिल और आ पेन, वीविंग इट्स इमेजेस इन द मिरर, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रेस करता है स्टार पैटर्न को पेंसिल के थ्रू, और वो भी मिरर में देखते हुए, उसे नीचे नहीं देखना होता है इसमें, मिरर में देखते हुए ही वो स्टार पैटर्न को फिल करता है इसमें। और इनर और आउटर बाउंड्रीज में टच नहीं होना चाहिए स्टार, तभी वो सही माना जाएगा। द सब्जेक्ट इज एडवाइज नॉट टू टच, मतलब कि टच नहीं होना चाहिए ना क्रॉस होना चाहिए। द टाइम टेकिंग इन ईच ट्रायल इज रिकॉर्डेड बाय द मीन्स ऑफ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच के थ्रू जितना भी टाइम सब्जेक्ट लेता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं हर एक ट्रायल में। द टाइम टेकन एंड द एरर्स कमिटेड इन द रिकॉर्डेड इज द कलेक्शन डेटा टेबल, मतलब कि जो भी टाइम लगता है और जितने भी एरर्स आते हैं उसे हम कलेक्शन डेटा टेबल बनाते हैं रिकॉर्ड करके। फिर है इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टू टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग और टीचिंग में इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो प्लानिंग एंड असेसमेंट में ये हेल्प करता है। टीचिंग फॉर द ट्रांसफ़र विल ऑल्सो हेल्प, इम्प्लीकेशन फॉर द यूनिट प्लानिंग एंड असेसमेंट, टीचर वुड नीड टू पे मोर अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड द फोकस मेनली ऑन द मोर सिग्निफिकेंट एंड पर्टिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस, इसके थ्रू प्लानिंग और असेसमेंट में हेल्प मिलती है। क्रिएटिंग अ स्पिरिट एंड कल्चर ऑफ ट्रांसफ़र, इसके थ्रू एक स्पिरिट मिलती है और कल्चर जो है फॉलो किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, इस जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हमको एक स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए जो बहुत ही अप्रोप्रिएट होती हैं, बहुत सुटेबल होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड, एस्पेक्ट्स विच आर ऑफ्टन ओवरलुक्ड येट विच आर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग आर एटीट्यूड सेल्फ डिसिप्लिन एंड वैल्यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स। स्केफोल्डिंग मिलती है इसके थ्रू। द स्केफोल्डिंग टेक्निक एमर्जेस फ्रॉम द वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, मतलब इसके थ्रू स्केफोल्डिंग होती है। तो स्केफोल्डिंग का जो है आइडिया वाइगोत्स्की ने दिया था अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू, ZPD के थ्रू। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह होता है कि हम कितना सीख पा रहे हैं या अपने आप से कर पा रहे हैं और कितना हम कर पाएंगे अगर हमें किसी और की मदद मिल जाए, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट लव वैगोत्स्की ने दिया है और इसको हम इसके फोल्डिंग का नाम देते हैं, यानी कि मचान का नाम देते हैं। स्टूडेंट आर गिवन टास्क टू विच आर स्लाइटली मोर चैलेंजिंग देन व्हाट दे आर मैनेज अलोन। फिर इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम लिखेंगे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो नेम लिखेंगे हमारा क्या एक्सपेरिमेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्रॉइंग, ये हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू स्टडी दैट द सेंसरी मोटर स्किल्स अक्वायर बाय द राइट हैंड हेल्प्स इन द लर्निंग द स्किल विद द लेफ्ट हैंड। तो जो राइट हैंड से हमने लर्निंग की है सेंसरी मोटर्स के थ्रू वो हमको हेल्प करती है लेफ्ट हैंड के थ्रू लेफ्ट हैंड में करने के लिए। टू स्टडी द सब्जेक्ट्स लर्निंग ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन,
इसके थ्रू हम सब्जेक्ट के आई हैंड कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर पाते हैं कि बच्चा कितना जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहा है, अपने हाथ और आँखों में कोऑर्डिनेशन कितना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मिरर ड्राइंग ऑपरेटर चाहिए होता है, कॉपीज़ ऑफ स्टार पैटर्न की कॉपीज चाहिए होती है हमें, पेंसिल चाहिए होती है, ग्राफ पेपर चाहिए होता है और स्टॉप वॉच चाहिए होती है। देन हम इसमें हाइपोथेसिस लिखेंगे, लर्निंग ऑफ मिरर ड्राइंग बाय राइट हैंड फैसिलिटेट इट्स लर्निंग बाय द लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड से सीखना हमें लेफ्ट हैंड से मदद करेगा। वेरिएबल्स होते हैं इसमें कुछ, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा इमेज ऑफ स्टार इन द मिरर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन टर्न ऑफ द एरर्स मेड एंड द टाइम टेकन पर ट्रायल, जो टाइम टेकन होगा और जितनी भी एरर्स होंगी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंड करेगा। डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट इसमें हम लिखेंगे, देन डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर लिखेंगे, फिर डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की डिटेल बताएंगे, डेट टाइम प्लेस बताएंगे इसमें, देन प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन, हमने क्या क्या प्रिपरेशन की, तो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया अपने सब्जेक्ट को, क्लीन एनवायरनमेंट दिया उसे, द एटमॉस्फेयर ऑफ द लैब शुड बी काम एंड क्वाइट, जो एटमॉस्फेयर था वो शांत था, ऑपरेटर शुड बी कंसीडर्ड एंड द ऑपरेटर्स हमारा सही था, हमने पहले चेक कर लिया उसे, ये हम देख लेंगे। देन है प्रिकॉशंस क्या चाहिए होती हैं हमें, तो ऑल इंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन, जो हम सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे। द सब्जेक्ट वाज टोल्ड टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट इन वन सिटिंग, एक ही बार में उसे अपना एक्सपेरिमेंट कर लेना है ये हम बता देंगे अपने सब्जेक्ट को। देन ऑपरेटर्स शुड बी चेक्ड बिफोर स्टार्टिंग, ऑपरेटर्स को हम चेक कर लेंगे, ये भी हमारा एक प्रिकॉशन में आ जाएगा। द सब्जेक्ट शुड बी मेड सिटिंग इन अ प्रॉपर रूम, एक सब्जेक्ट को हम ऐसे रूम में बिठाएंगे जहाँ पे प्रॉपर लाइट होगी और एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा होगा। देन है इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे हम, तो सब्जेक्ट इज सेट टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो है हम सब्जेक्ट से कहेंगे कि उसे केयरफुली करना है। पिन शुड मोर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टार बिटवीन द टू लाइन्स, मतलब जो हमें स्टार पैटर्न बनाना है वो टू लाइन्स के बीच में ही बनाना है, उनकी बाउंड्रीज को टच नहीं होना चाहिए, बाउंड्रीज के आउटर में नहीं होना चाहिए। डू नॉट पिक द पिन वाइल मूविंग इन द बाउंड्रीज, यू हैव टू सी द स्टार इन द मिरर, मूव द पिन इन द क्लॉक वाइज, मतलब जो हम स्टार पैटर्न बनाएंगे वो मिरर में देखते हुए हमें बनाना है और क्लॉक वाइज हम पहले करेंगे लेफ्ट हैंड के थ्रू। देन वी हैव टू वर्क फास्ट इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द राउंड एंड द टाइम अलॉन्ग विद द एरर मेड बाई द सब्जेक्ट। देन प्रोसीजर हम बता देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट होगा वो सिट प्रॉपरली चेयर पे बिठा देंगे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, देन उसको सारी इंस्ट्रक्शंस हम प्रॉपरली बता देंगे, फिर उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम कहेंगे। देन एक्सपेरिमेंटर जो होगा वो स्टॉप वॉच चालू करेगा और सब्जेक्ट जो होगा वो अपनी पेंसिल को लेफ्ट हैंड से पहले 3 बार जो है वो लेफ्ट हैंड से बनाएगा स्टार पैटर्न को। देन जो है राइट हैंड से एंटी क्लॉक, जब वो लेफ्ट हैंड से बनाएगा तो क्लॉक वाइज बनाएगा, देन राइट हैंड से करेंगे इसको, तो इसको हम तब तक करेंगे जब तक कि 3 बार हमारी सारे ट्रायल सही ना आ जाएं, तब तक हम इस पैटर्न को राइट हैंड से करते जाएंगे और ये हमें एंटी क्लॉक वाइज करना है, इसे प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर हम पोस्ट ट्रायल करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, तो ये हमें फिर से लेफ्ट हैंड से करना है और ये 3 ट्रायल करने होते हैं हमें क्लॉक वाइज में, फिर उसके बाद हम सारी एरर्स को और सारे टाइम को जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा स्टार पैटर्न होता है ऐसे, इसी में अपने सब्जेक्ट से हम पूरा एक्सपेरिमेंट कराते हैं। लेफ्ट हैंड पे
लेफ्ट हैंड का कराएंगे और राइट हैंड से राइट हैंड पर कराएंगे। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्री टेस्ट जो है वो लेफ्ट हैंड से होगा और क्लॉकवाइज होगा, इसमें तीन बार कराएंगे हम। देन राइट हैंड से हम कराते हैं, तब तक कराते हैं जब तक कि ये तीन बार स्टार पैटर्न पूरी तरह से सही ना बन जाए, एक भी एरर नहीं आने चाहिए, तो तब तक हम कराएंगे। और राइट हैंड से जब कराएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं। फिर हम पोस्ट टेस्ट कराएंगे, तो पोस्ट टेस्ट जो होगा वो फिर लेफ्ट हैंड से होता है क्लॉकवाइज और तीन बार कराते हैं। देन इसमें इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखा लेंगे कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ने कैसा फील किया और फिर एंड में कैसा फील किया, उससे क्या मिला, इससे क्या सीख मिली। फिर हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे, तो लेफ्ट हैंड में पहले लिखेंगे प्री टेस्ट जो हमारा था तीन बार किया था हमारे सब्जेक्ट ने, तो उसमें कितना टाइम लिया ये सेकंड में हम लिखेंगे, और कितनी एरर्स आई हैं वो लिखेंगे। तो इसमें एवरेज मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब कि एवरेज टाइम कितना था और उसमें कितने टोटल ट्रायल गए हैं, तो तीन ट्रायल गए हैं, और एवरेज टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे हम। तो इसमें हमें एवरेज टाइम और एवरेज एरर निकल आएंगे टोटल। फिर प्रैक्टिस में देखेंगे, तो प्रैक्टिस में राइट हैंड से जब तक तीन बार बिल्कुल सही ना आ जाए वो हम देखेंगे। तो इसमें मीन टाइम निकाल लेंगे वैसे ही और मीन्स ऑफ एरर निकाल लेंगे। देन लेफ्ट हैंड से देखेंगे, तो इसको हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं। पोस्ट टेस्ट जो है इसमें भी वैसे ही हम जो मीन टाइम निकालेंगे और मीन्स एरर निकालेंगे। इसमें आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रैक्टिस हमारा होगा उसमें हम तीन बार सही का जो मतलब है कि जैसे यहाँ पे 1, 2, 0 एरर हो गई, लेकिन फिर यहाँ पे एरर आ गया, दो एरर आई, तो हमें फिर लगातार तीन बार करना होगा। जब तक कि तीन बार लगातार 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमने दो बार किया फिर एरर आ गई, तो फिर लगातार तीन बार सही करेंगे, तभी हम कंसीडर करेंगे कि एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया। तो ये था एक्सपेरिमेंट और ये थी ऑब्जर्वेशन टेबल। देन हम इसमें रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट के लिए हम एवरेज, एरर और टाइम लिख देंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इसमें कंसीडर करेंगे कि प्री टेस्ट में कितनी जो है एरर्स थी, देन पोस्ट टेस्ट में कितनी एरर्स थी और कितना टाइम लिया, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। देन कैलकुलेशन करेंगे, तो डिफरेंस इन एवरेज एरर करेंगे, तो प्री टेस्ट का एवरेज एरर और पोस्ट टेस्ट का एवरेज एरर माइनस कर देंगे। देन डिफरेंस इन टाइम निकालेंगे, तो प्री टेस्ट का एवरेज टाइम और पोस्ट टेस्ट का एवरेज टाइम इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारा टाइम निकल आएगा। हेंस द डेटा वॉज शोन दैट द पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मतलब कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है। द रिजल्ट हैव बीन प्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड एरर। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो टाइम एंड एरर के बेसिस पे बनेगा, टाइम वर्सेस ट्रायल होगा और एरर वर्सेस ट्रायल होगा। तो ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ आपका है प्री टेस्ट का। तो प्री टेस्ट में हम पहले स्केल्स लिखेंगे, देन हम एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है प्री और पोस्ट टेस्ट, ये जो है आपका टाइम का ग्राफ है प्री और पोस्ट टेस्ट दोनों का ही। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें लिखेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स में जैसे प्री टेस्ट में 1, 2, 3 ट्रायल हैं, तो 1, 2, 3 ट्रायल, और इधर जो है वाई एक्सिस पे आप टाइम लिख देंगे, और देन 3 एक्स एक्सिस पे ही पोस्ट ट्रायल जब हम लिखेंगे तो उनको एक्स एक्सिस की साइड से ही दिखाएंगे। जैसे 1, 2, 3, तो उसमें जो है टाइम कितना लगा है ये हम ग्राफ बना देंगे ऐसे। देन हम पोस्ट और प्री का एरर का ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें एक्स एक्सिस पे प्री और पोस्ट की पहले ट्रायल्स दिखा देंगे, देन एरर दिखा देंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस की साइड से पहले प्री टेस्ट दिखाएंगे 1, 2, 3, देन 0 की साइड से 1, 2, 3 कर देंगे, और ये ग्राफ हो जाएगा आपका। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ 1 करेंगे, प्री एंड पोस्ट टेस्ट।
इसका पूरा इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि कितने ट्रायल हुए, कितनी एरर आई टोटल, और क्या हमने एक्स एक्सिस पे शो किया, क्या राइट जो है वाई एक्सिस पे शो किया, ये सारी चीज़ें बता देंगे। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड ग्राफ करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट जो था इसमें भी हम वैसे ही बता देंगे कि कितना टाइम लगा और कितनी जो है एरर्स आई, कहाँ पे हमने क्या शो किया है ये बता देंगे। वैसे ही ये प्रैक्टिस का ग्राफ है आपका, तो प्रैक्टिस टेस्ट में टाइम का ग्राफ है ये, इसमें कितना टाइम लगा है, तो एक्स एक्सेस पे हम नंबर ऑफ ट्रायल शो करेंगे और वाई एक्सेस पे टाइम, कितना टाइम लगा है सेकेंड्स में, ये शो करके ऐसे ग्राफ बन जाएगा। देन जो है प्रैक्टिस टेस्ट में ही ये एरर का ग्राफ है, तो लास्ट में तीन बार आपकी जीरो ही आई होगी, तो ज़ीरो पे वो शो करेंगे और बाकी जितना भी आया होगा ये शो कर देंगे ऐसे हम। ये आपका ग्राफ हो जाएगा प्रैक्टिस का। देन है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे हम, कि प्री टेस्ट में कितना जो है टाइम लगा है, कितना नंबर ऑफ एरर आया था। देन पोस्ट टेस्ट में कितना जो है टाइम लगा है, कितना नंबर ऑफ एरर आया है, फिर हम बता देंगे कि ये एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये एक बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। देन कंक्लूज़न लिखेंगे, तो कंक्लूज़न में हम बताएंगे कि सेंसरी मोटर अक्वायर्ड बाय द राइट हैंड हेल्प्स इन द लर्निंग द स्किल विद द लेफ्ट हैंड। मतलब जो राइट हैंड से हमने सीखा है वो हमें हेल्प करता है लेफ्ट हैंड के थ्रू, और द सब्जेक्ट लर्न्स अ न्यू टाइप ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन द मिरर ट्रेसिंग। तो सब्जेक्ट को एक नया तरीका मिलता है सीखने का आई हैंड कोऑर्डिनेशन का। देन थर्ड कंक्लूजन है द मिरर ड्राइंग इज लर्न बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का हम देखेंगे, तो द स्टूडेंट एबल टू लर्न सेंसरी मोटर स्किल्स स्टूडेंट सीख पाते हैं इसके थ्रू। द स्टूडेंट लर्न्स अ न्यू टाइप ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन सीख पाते हैं नए तरीके का। ट्रायल एंड एरर मेथड इफेक्टिव होता है ये स्टूडेंट्स के लिए। देन है सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, ये एक सुटेबल मेथड है टीचिंग के लिए, क्योंकि ये कोरिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ये इंटेलिजेंट मेथड ऑफ लर्निंग है, और ये जो है कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है थ्योरेटिकल नॉलेज के बीच में। यूज़ ऑफ प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस का यूज़ किया जाता है। लाइफ मेथड है ये, इलस्ट्रेशन एंड ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, ये एक जर्नलाइजेशन मेथड है। देन हम रेफरेंस लिख देंगे, तो इसमें आप 4 से 5 जो है रेफरेंसेस दे सकते हैं साइकोलॉजी बुक्स का, कि आपने यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है। ये कुछ बुक्स के नाम हैं, एस के मंगल की बुक है, एस के पाल की बुक है, और गंगराम शर्मा की बुक है, जे सी अग्रवाल की बुक है ये, तो ये सब कुछ बुक्स के नाम हैं। थैंक यू एवरीवन।